के चैनल से। दोस्तों आप सभी को पता है कि चुनाव है और चुनाव में बिल्कुल भी अब वक्त नहीं है, शायद एक 6 से 7 दिन बचे हैं सिर्फ चुनाव को। चुनाव को प्रचार के लेके, जैसे कि आप जानते हो कि जिस वक्त चुनाव चालू होता है और चुनाव लगता है आचार संहिता के बाद जो है एक जो प्रचार जो चालू होता है और एक अपने पार्टी का जो एजेंडा लोगों के पास रखने का रहता है, लोगों से अपील करने का रहता है, तो हर जो कैंडिडेट खड़ा होता है वो हर कैंडिडेट के अंदर एक ये होता है कि भाई मैं ये चुनाव किसी ना किसी तरीके से जीतूंगा। अभी मुमरा कौसा के अंदर जो चुनाव हो रहा है, जो हमारे यहाँ पर अभी खड़े हैं बाबा जी पाटिल साहब, यहाँ लोकसभा चुनाव से जो खड़े हैं बाबा जी पाटिल, इनका ये भी एक चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से मैं ये सीट जीत जाऊं और निकल जाऊं। लेकिन इसमें ये जो दो सीट है, मुमरा और ठाणा की जो सीट है, ये दो सीट की जिम्मेदारी, जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि गणेश नायक ने ली है कि ये सीट को, ये जो भी इसका मतलब करना है, जो भी इसका क्या करना है, रणनीति तय करना है, इसको मैं करूंगा और मैं ये सीट को निकालूंगा। इस चीज को लेके कहीं ना कहीं जो हमारे यहाँ पर जो अभी इस वक्त मौजूदा जो हामदार है हमारे जितेंद्र अवार्ड साहब, उनके और गणेश नायक साहब के बीच में कहीं ना कहीं ये तो आपस में जो है इनका ताल और मेल नहीं बन पा रहा है। इसी चीज को लेके मुमरा कौसा के अंदर ना तो कोई प्रचार हो रहा है, ना कोई इलेक्शन का माहौल मालूम पड़ रहा है कि किसी ना किसी तरीके से ये कैंडिडेट, मैं समझ में ये नहीं आ पा रहा है कि ये लोग इस कैंडिडेट को जिताना चाहते हैं कि हराना चाहते हैं। इस तारीख का चुनाव है, खाली 6-7 दिन बाकी है। मेरी को बहुत बड़ी उम्मीद है मुमरा कौसा की, क्योंकि आज भी मैं ठाणा महानगर पालिका में प्रभाग क्रमांक 29 से, मैंने कादर पहले से पलावा सिटी तक विद्वेश द्वेश और उसकी जुड़ी हुई सियासत, ये भारत, क्योंकि आज तक ये चुनाव किसी के समझ में नहीं आया है और शायद अब ना आएगा भी, क्योंकि अब वक्त बिल्कुल भी नहीं रह गया है। रस्मी तौर पे सिर्फ ये लोग कहीं पार्टी ले लेते हैं, 10-15-20 लोगों को बुला के कहीं बता देते हैं कि भाई हाँ है बाबा जी पाटिल भी चुनाव के अंदर है, बाकी ना कहीं इनके कोई कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, ना कहीं इनके अंदर ये आ रहा है सुझाव कि हाँ मतलब हम हमारी पार्टी के अंदर मेहनत करें। और दूसरी चीज है, एक छोटी सी भी अगर इलेक्शन नगर सेवक का भी होता है तो रात और दिन ये लोग एक कर देते हैं, लेकिन अभी इतना होने के बावजूद भी इनका कोई ना, इनका ना जितेंद्र अवार्ड साहब कोई रैली इन्होंने अटेंड किया है यहाँ पर, ना कोई रैली की है, ना कोई चौक सभा की है, ना कोई सोसाइटी के अंदर मीटिंग की है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं जो है ये बाबा जी पाटिल के ही आस्तीन में कहीं ना कहीं सांप है, जो कि ये खुद नहीं चाहते हैं कि ये चुनाव बाबा जी पाटिल जीत जाए। मैं लाल मोहम्मद शेख फिर एक नई न्यूज के साथ हाजिर हूँ, जब तक के लिए नमस्कार।